हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नेम इज द फर्स्ट जैस्मिन्स। अरे बच्चों, आज मैं आपको एक नया पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7th का। इस पोएम को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है। ट्राई टू रिकलेक्ट एनी वन इंसिडेंट ऑफ योर चाइल्डहुड विच यू कॉन्ट फॉरगेट। कहा जा रहा है बच्चों, आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना को याद करें जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। इफ यू कुड समथिंग दैट हैपन एट होम और स्कूल्स और इन अ पब्लिक प्लेस लाइक द चिल्ड्रंस पार्क। चाहे वो कहीं भी ऐसी घटना कहीं भी घटी हो, ऐसा वाक्य अगर आपके साथ हुआ हो स्कूल में, पब्लिक प्लेस पर, या फिर चिल्ड्रन पार्क में जहां आप घूमने जाते हैं, तो बच्चों ज़रूर इस बात को आप याद करें। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्यारे बच्चे जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में वाकई कोई ऐसी इंटरेस्टिंग घटना घटी हो जिसको आप कभी नहीं भूलना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। आ दीज जैस्मिन्स, दीज वाइट जैस्मिन्स, आई सीम टू रिमेम्बर द फर्स्ट डे व्हेन आई फील्ड माई हैंड। पोएट कहते हैं कि सफ़ेद इस जैस्मिन, जैस्मिन मीन्स होता है चमेली के फूल। ये चमेली के फूल जो सफ़ेद सफ़ेद चमेली के फूल हैं, आई सीम टू रिमेम्बर, मुझे याद है फर्स्ट डे व्हेन आई फील्ड माई हैंड। मीन्स पोएट कहता है कि मुझे वो दिन याद है जब मैंने पहली बार सफ़ेद जैस्मिन को अपने हाथों में लिया था। विद दीज जैस्मिन्स, दीज वाइट जैस्मिन्स, मैंने इन जैस्मिन के फूलों को, सफ़ेद कलर के जैस्मिन के फूलों को मैंने जब पहली बार अपने हाथों में लिया था, तो वो दिन मुझे याद है। मीन्स वाकई वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, बड़ा ही सुहावना था, बड़ा ही ब्यूटीफुल डे था मेरा। आई लव्ड द सनशाइन, सनलाइट, द स्काई एंड द ग्रीन अर्थ। पोएट कहता है मुझे सनलाइट, सूरज की रोशनी से भी प्यार था, स्काई से भी प्यार था, एंड ग्रीन अर्थ, हरे भरे इस ज़मीन से, इस धरा से, धरातल से, धरती से भी प्यार था। बट जब मैं, कहने का मतलब प्यार था, जब मैंने जैस्मिन को अपने हाथों में लिया तो मुझे जैस्मिन से सबसे अधिक प्यार हो गया। आई हैव हर्ड द लिक्विड मर्मर ऑफ रिवर, मैंने छोटी नदियों की मर्मर की आवाज़ भी सुनी है। मीन्स नदियाँ जब बहती हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, सरसर की आवाज़, कलरव करती हुई नदियाँ बहती हैं, तो वाटर, उस पानी की आवाज़ को भी मैंने सुना है। थ्रू द डार्कनेस ऑफ द मिड नाइट, आधी रात के अंधकार में मैंने नदियों के जल की आवाज़ को भी सुना है। ऑटम सनसेट हैव कम टू मी एट बेंड ऑफ द रोड। ऑटम सनसेट, ऑटम मीन्स पतझड़ के मौसम में जब सनसेट होता है, जब सूरज छिपता है, एंड कम टू मी एट बेंड ऑफ द रोड, रोड के जहाँ रोड मुड़ता है, कभी कहता है जहाँ पर रोड मुड़ता है वहाँ पर मैंने सूरज की अस्त होने के दृश्य को ऑटम के सीजन में, मीन्स पतझड़ के सीजन में देखा है। इन लोनली वेस्ट, जहाँ पर अकेला, लोनली अकेला सूरज छिपता रहता है। एंड लाइक द ब्राइट रेजिंग हर वेल, मानो जैसे कि कोई दुल्हन अपने घूंघट को उठा रही हो, सनसेट की कल्पना करते हुए पोएट कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जिस वक्त सनसेट होता है मानो कोई दुल्हन घूंघट उठा रही हो। वो दृश्य भी मुझे अच्छा लगता है, वो सीन भी मुझे अच्छा लगता है, बट सबसे अधिक अच्छा लाइफ में कोई चीज़ लगा जो मुझे याद है, वो कौन सी बात थी, जब मैंने सफ़ेद जैस्मिन के फूलों को अपने हाथों में लिया था। प्यारे बच्चों, आप मीनिंग पर भी ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने बताया ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा,
वेल वेल मीन्स होता है घूंघट, वेल मीन्स होता है घूंघट उठाना, ठीक। एट माई मेमोरी इज स्टिल स्वीट विद द फर्स्ट वाइट जास्मिन दैट आई हेल्ड इन माई हैंड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। कभी कहता है इट, फिर भी मीन्स अभी भी कहेंगे इसको, अभी भी माई मेमोरी स्टिल स्वीट विद द फर्स्ट वाइट जास्मिन, लेकिन सारी याददाश्त में मुझे केवल जब मैं सफ़ेद कलर की सफ़ेद जासमीन को पकड़ा था वो मुझे अब तक याद है। कहने का मतलब बहुत से ऐसे हमने दृश्य देखे, सूरज के उगते वक्त एंड सेट होते समय, हरी भरी धरती की हरियाली को देखा हूँ, बट इन सारी बातें तो मुझे नहीं याद रहती ज़्यादा, लेकिन जब मैंने सफ़ेद जासमीन चमेली के फूल अपने हाथों में लिया था वो दिन मुझे आज भी याद है, वो स्वीट डे जिसे कहेंगे। एंड दैट आई हेल्ड माई हैंड व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बचपन मेरा बचपन था, बच्चा था, उस वक्त मैंने जासमीन के फूलों को हाथ में लिया था वो दिन मुझे आज भी याद है। मेनी अ ग्लैड डे कम्स इन माई लाइफ, बहुत ऐसे खुशियों के पल, खुशियों के दिन, ग्लैड डे मीन्स खुशी का दिन, खुशियों के दिन मेरे लाइफ में आए हैं, बट सबसे अधिक खुशियों का दिन मेरे लिए तब था जब मैंने बचपन में जासमीन के फूल को अपने हाथों में लिया था। आगे बढ़ते हैं। एंड आई हैव लव्ड विथ मेरी मेकर्स ऑन फेस्टिवल्स नाइट, ऑन ग्रे मॉर्निंग ऑफ द रेन आई हैव क्रूनड मेनी आइडल सॉन्ग्स। कहता है मैं बहुत खुश हुआ करता था, एंड विद द मेरी मेकर्स ऑन माई फेस्टिवल नाइट, जब कोई त्यौहार आता था, त्यौहार फेस्टिवल आता था, उस रात को भी मैं काफ़ी आनंदित हुआ करता था। ऑन ग्रे मॉर्निंग ऑफ रेन, और जिस वक्त वर्षा के सीजन में सुबह सुबह वर्षा होती है तो उस ग्रे मॉर्निंग को भी मैं काफ़ी खुशहाली से जीता था। कहने का मतलब वर्षा का दिन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। आई हैव क्रूनड मैनी आइडल सॉन्ग, मैंने लाइफ में कई आइडल, आइडल का मतलब होता है नीरस, कई ऐसे नीरस सॉन्ग भी गाए हैं जिसमें कोई मज़ा नहीं था। आई हैव वॉर्न राउंड माई नेक्स एन इवनिंग रीथ ऑफ बकुलाज ओवंस बाय द हैंड ऑफ लव। कभी कहता है आई हैव, मैंने कई चीज़ें, मैंने वर्षा के ऋतु को भी देखा है, सुबह सुबह वर्षा जब होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कई ऐसे नीरस गाने भी गाए हैं, लेकिन और आगे कहता है मैंने अपने गले में इवनिंग रीथ ऑफ द बकुलास, बकुलास होता है अ टाइप्स ऑफ फ्लावर, एक प्रकार का फूल, मैंने बकुलास के फूल के रीथ माला को भी अपने गले में पहना है। हैंड ऑफ लव, हैंड ऑफ लव, अपने हाथों से बकुलाज के फूलों की माला बनाकर मैंने पहना है। और क्या क्या किया है, इट माई हार्ट इज स्वीट विद द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट फ्रेश जास्मीन दैट फिल्ड माई हैंड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। लेकिन अभी भी सारी बातें जो पोएट के लाइफ में गुजरी हैं वो सारी बातें पोएट को ध्यान नहीं रहता है, लेकिन अभी भी उसकी मेमोरी में वो फर्स्ट फ्रेश जासमीन, बचपन की पहली बार जब उसने फ्रेश जासमीन को देखा था और फील्ड माई हैंड जो हाथ में पकड़ा था व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बचपन में था, मिस बच्चा था, वो दृश्य मुझे आज भी याद है। मिस कवि के जीवन में कई ऐसी सुंदर घटनाएं हुई, कई अच्छे अच्छे दृश्य कवि ने देखा, लेकिन उन दृश्यों में कवि को, कवि मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो सबसे अच्छी बात लगी, जब जो सबसे यादगार घटना थी वो थी बचपन में जासमीन, सफ़ेद कलर के जासमीन मीन्स चमेली के फूलों को पकड़ना। स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा पोएम, बड़ा ही मज़ेदार पोएम है, बड़ा ही आसान शब्दों में दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट
मैंने सूरज की किरणों को देखा है, अच्छा लगता है। और ग्रीन अर्थ, धरती की हरियाली को भी पोएट ने बताया। ग्रीन अर्थ, ऑटम सनसेट, ऑटम सीजन में जब सनसेट होता है तो कैसे लगता है, लाइक अ राइजिंग, अ ब्राइड राइजिंग वेल, जैसे कोई दुल्हन घूंघट उठा रही हो ना। तो सनलाइट, ग्रीन अर्थ, ऑटम सनसेट एंड मर्मर ऑफ द रिवर, इस यही फोर आंसर आप नोट कर लेंगे। थर्ड देखिए, व्हाई डू यू थिंक्स इज द पोएट सो फैसिनेटेड बाय वन पर्टिकुलर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पोएट केवल एक, यानी मतलब क्यों पोएट केवल एक ही एक्सपीरियंस को शेयर करता है, एक ही एक्सपीरियंस उसको अच्छा लगता है, एक ही एक्सपीरियंस उसे फैसिनेटेड, आकर्षित करता है, क्यों? बिकॉज ओनली ही मिस्ड द ब्यूटी ऑफ जैस्मिन, क्योंकि सारी सुंदरताओं में पोएट केवल जैस्मिन की सुंदरता को मिस करता है। ठीक, तो आप आंसर लिखेंगे ओनली द पोएट मिस्ड ब्यूटी ऑफ जैस्मिन ऑफ हिज चाइल्डहुड। ओके, तो बहुत ही इजी आंसर है, आप नोट कर लेंगे ऐसे, ए टू। इसमें मैचिंग करना है बच्चों, मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द पोएटिक फ्रेज, ए कॉलम बी कॉलम। देखिए मैंने सब कंप्लीट किया है, आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे देख करके स्क्रीन शॉट लेके वीडियो को पॉज करके फिल कर लेंगे बेटा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए ए थ्री नंबर, देखिए बकुलाज आर बी वाला हमारी टाइप्स ऑफ फ्रेगनेंस फ्लावर। सेकंड का आंसर देख लीजिए, क्रून मीन्स पूछा जा रहा, क्रून मीन्स सॉफ्टली एंड जेंटली। ठीक, थर्ड नंबर को देख लीजिए, थर्ड नंबर में है मेनी अग्लैड डे, इट मीन्स बी नंबर लगाइए करेक्ट मार्क्स, टाइम्स वेन द पोएट फेल्ट हैप्पी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जरा से देख लेते हैं। हाँ एक मिनट, यस, एड थ्री मोर वर्ड्स कंटेनिंग द गिवन साउंड टू ईच सीरीज बिलो। बच्चों आपको राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखना है, सेम साउंड वर्ड लिखना है, आई होप आप लिख ले जाएंगे। यहाँ थ्री सेम प्रोनाउंसिंग साउंड रिलेटेड वर्ड नोट करना है, जैसे मैंने वन वन किया जैस्मिन का, देखिए मैंने यास्मिन किया है, हैव का भी आप बना लेंगे ऐसे थ्री थ्री, फर्स्ट मस्ट नाइट काइट वेल सेल, मैंने एक एक किया है, बाकी आपको करना है, यह आपके लिए होमवर्क है। और इस होमवर्क को आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी बड़ा इजी है, बी टू, सर्कल द वर्ड इन विच द गिवन लेटर इज साइलेंट। आपको सर्कल करना है कौन सा लेटर जो है साइलेंट है, देखिए एच, इसमें एच कहाँ कहाँ साइलेंट है, वाइट वाइट, तो वाइट होता है वाइट, एच साइलेंस है, देखिए एच आवर होता है, यहाँ साइलेंस है, मैंने सर्कल किया, एयर भी साइलेंट है। ठीक है, ऐसे डब्लू देखिए, हु यहाँ पर डब्लू साइलेंट होता है, वाई साइलेंट डब्लू है, रीथ में डब्लू साइलेंट है, वेट वेट में साइलेंट नहीं है, डब्लू साइलेंट नहीं है, इसलिए इसको सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, आर देखिए कहाँ पर साइलेंट, मॉर्निंग में आर नहीं साइलेंट होता, फ्रेश में आर नहीं साइलेंट, वार्न वर्ड में आर साइलेंट है, मेरी मेरी में देखिए साइलेंट नहीं है, फर्स्ट में साइलेंट होता है, तो इसको आप सर्कल कर लेंगे। और फोर्थ नंबर देखिए, आइडल में एल कहाँ का साइलेंट, आइडल तो सही है, इसमें साइलेंट नहीं होता, काम साइलेंट, टॉक साइलेंट, चाइल्ड नहीं है, लोनली तो दो में साइलेंट है, इसको आप सर्कल कर लेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, थैंक यू।